नाग लोक के जंगलों में एक इच्छाधारी नागिन को नाग लोक का एक नाग नख और नागिन मेनका मिलकर मार रहे थे, और मारने के बाद वो उसके शरीर को धरती लोक के एक जंगल में फेंक कर वापस नाग लोक आकर बोलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा नागलोक में कि दिव्यांशी कहाँ गई, और अब मैं उसकी जगह लेकर कुछ समय बाद नागलोक पर राज करूँगी। मेनका और नक्श एक नागिन को मारकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन धरती लोक पर जहाँ दिव्यांशी का शरीर दम तोड़ चुका था, वहीं उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर अपने मृत शरीर को देखे जा रही थी, और अपनी निर्मम हत्या पर दिव्यांशी की आत्मा खुद से बोलती है, मुझे मारने की सजा मैं तुम दोनों को जरूर देकर रहूंगी। मेनका, नक्श, तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। मैं अभी नागलोक आकर अपना सारा सच अपने पिताजी को बता दूंगी, फिर तुम दोनों का खेल खत्म। दिव्यांशी अपनी शक्तियों से नागलोक जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जा पाती, क्योंकि अब वो एक नागी नहीं बल्कि सिर्फ उसकी आत्मा थी, और आत्मा बिना शरीर नागलोक में नहीं जा सकती। इस बात से उदास होकर दिव्यांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसको जंगल में किसी के आने की आहट होती है। वो देखती है कि एक लड़का और लड़की जंगल में आते हैं, जिसमें से लड़की उस लड़के का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, मयंक यार, हम जंगल में फंस गए हैं, आखिर हम क्या करें? मैंने तुमको बोला था जंगल में इतना आगे मत आओ, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो ना। यार शिवांशी, थोड़ी देर चुप रहा करो, जब देखो बक 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 करती रहती हो। मैं कर रहा हूँ ना कोशिश रास्ता ढूंढने की, तुम चुप रहो। दोनों को ऐसे लड़ता देखकर दिव्यांशी बोलती है, लगता है ये इंसान है, वो भी शादीशुदा, सही मौका है, इसी के अंदर घुस जाती हूँ, अब किसी ना किसी के जरिए तो मुझे नागलोक जाना ही होगा। दिव्यांशी की आत्मा शिवांशी के शरीर में प्रवेश करती है, जिसके बाद शिवांशी थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जीभ बाहर निकालती रहती है। ये देखकर मयंक बोलता है, माना मेरी वजह से खोए हैं, लेकिन कम से कम ऐसे जीभ चिढ़ाकर बेइज्जती तो मत करो। तुमसे मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, चलो दिखाती हूँ रास्ता। शिवांशी, जो खुद मयंक के साथ इस जंगल में खो गई थी, वो अचानक से जंगल के बाहर का रास्ता इतनी आसानी से ढूंढकर मयंक को भी अपने साथ बाहर ले आती है। ये देखकर मयंक बोलता है, तुमको रास्ता पता था और बेवजह ही मुझे इतना चलाया, कितनी बुरी हो यार शिवांशी तुम, सच में तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब चलो माँ इंतजार कर रही होंगी। मयंक शिवांशी का हाथ पकड़े उसको घर ले आता है, जहाँ आकर दिव्यांशी की आत्मा उसके अंदर से निकल कर घर के अंदर आकर बोलती है, ये इंसानों के घर कितने सुंदर होते हैं, सब कुछ कितना सजा के रखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना कहाँ मिलेगा। दिव्यांशी शिवांशी के घर में आकर इधर उधर घूमती है, और रसोई में जाकर कच्ची सब्जियाँ, फ्रिज में रखा दूध सब खत्म कर देती है। वहीं बाहर शिवांशी और मयंक के आने पर शिवांशी की सास माला आकर बोलती है, आ गई बहू, तुझे अपने बेटे के साथ बाहर जाने की इजाज़त क्या दे दूँ, तू तो उसको पूरा दिन ही अपने साथ चिपकाए रखती है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो हम खो गए थे, रास्ता भटक गए थे। भटके नहीं, तुमने भटकाया, जब तुमको रास्ता पता था तो वहाँ इतनी देर क्यों लगाई, जैसे अभी लाई वैसे ही 3 घंटे पहले नहीं ला सकती थी। मुझे रास्ता नहीं पता था, और यहाँ आप लाए हैं, मैं नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि हम घर कब आए। हाँ, सारा दोष मेरे बेटे पर डाल दे, तुझे अपनी गलती तो कभी दिखती ही नहीं है। माला को शिवांशी को डांटते देख दिव्यांशी बोलती है, ये इंसान अपने से कमजोर पर कैसे हुक्म चलाते हैं, अभी बताती हूँ इनको। तो दिव्यांशी शिवांशी के शरीर में आती है, जिसके बाद शिवांशी बोलती है, ओए बुढ़िया, क्या बोली, मेरी गलती है, तेरी आंखें खराब है, मुझे तेरा बेटा लेकर गया था, समझी। बहू, ये कैसी बातें कर रही है, तेरे अंदर कोई आत्मा आ गई है क्या, बता कौन है तू। बताऊं कौन हूँ मैं तेरी, दुश्मन है तू मेरी, मैं नागिन और तू सपेरी। हाय हाय बहू, क्या कह रही है, लगता है दिमाग फिर गया है, जा जाकर चाय बना ले अपने लिए और मेरे लिए भी। दूध खत्म हो गया है, सारा दूध मैं पी गई, कोई चाय नहीं बन पाएगी। शिवांशी इतना बोलते ही अंदर जाती है, लेकिन उसका ये व्यवहार देखकर माला और मयंक थोड़ा घबरा जाते हैं,
अगली सुबह सब जैसे ही उठते हैं तो शिवांशी नागिन जैसे कपड़े पहनकर नाश्ते की टेबल पर कटोरी में चाटते हुए दूध पी रही थी। ये देखकर माला बोलती है, बहू ये क्या है, तू कोई कुत्ता या बिल्ली है जो ऐसे चाट रही है दूध की कटोरी को? तुमको कोई दिक्कत है? मैं चाट कर दूध पी हुई या घटक कर, जानती नहीं है तू कौन हूँ मैं? नागिन हूँ मैं नागिन, एक पल में तुझे खत्म कर दूंगी। ये सुनकर माला डर जाती है, जिसके बाद शिवांशी पूरे घर में नागिन डांस करते हुए घूमने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में दिव्यांशी के शिवांशी के शरीर से निकलते ही उसको हल्का हल्का महसूस होता है, जिसके बाद वो मयंक से बोलती है, मयंक अब मुझे ठीक लग रहा है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने आज सुबह से क्या किया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। माँ को परेशान किया है और क्या किया है, सच बताओ तुम माँ से बदला ले रही हो क्या? अरे यार वो माँ है मेरी, तुमको कुछ बोल भी दिया होगा तो तुम क्या बदला लोगी? पर मैंने किया क्या? मयंक शिवांशी को सब बताता है, जिसके बाद वो बोलती है, नहीं मयंक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो याद भी नहीं है ऐसा कुछ, और जब से हम जंगल से आए हैं कुछ ना कुछ अजीब ही होता जा रहा है। कहीं जंगल में कुछ है तो नहीं, मतलब कोई टोटके के ऊपर तो पैर नहीं रख दिया तुमने? पता नहीं मयंक, एक बार जंगल जाकर देखें, चलो कुछ तो मिलेगा वहाँ। मयंक और शिवांशी वापस जंगल जाते हैं, जहाँ वो अच्छे से छानबीन करते हैं तो उनको नागिन का मरा हुआ शरीर दिखता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और शिवांशी बोलती है, ये तो कोई नागिन लगती है, इसका आधा शरीर नागिन का है और आधा इंसान का। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, सही कहा, ये नागिन का ही मृत शरीर है। दोनों को आवाज तो सुनाई देती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। फिर दिव्यांशी अपनी शक्तियों से खुद को उन दोनों के सामने प्रकट करती है और उसको देखकर मयंक बोलता है, तुम तो इस लाश जैसी हो। हाँ वो मेरी ही लाश है, कृपया मेरी मदद करो, वो मैं ही हूँ जो दो दिन से तुम्हारे शरीर के भीतर समाई हुई थी, और ये सब हरकतें मैंने ही की। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बस अपने होने का एहसास दिलाना चाहती थी, कृपया करके मेरी मदद करो। पर तुम्हारे साथ हुआ क्या? नागलोक की एक नागिन मेनका, वो मुझसे बहुत जलती है। मेरा एक प्रेमी था जिसका नाम नक्श था, लेकिन नक्श ने मेनका के साथ मिलकर मुझे नागलोक से गायब करना चाहा। जब मुझे उन दोनों की हरकतों का पता चला तो मैं दुखी होकर नागलोक के जंगलों में आ गई और उन दोनों ने वहाँ मुझे मिलकर मार दिया। तो तुम्हारे पिता या किसी और ने तुम्हें ढूंढा क्यों नहीं? शायद उनको पता नहीं है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। मेरा ने मेरी गुमशुदगी को छुपाए रखा होगा मेरा रूप लेकर, लेकिन मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए, सबके सामने सच आना ही चाहिए। तो इसमें हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर मैं नागलोक वापस जा सकती हूँ और वहाँ जाकर सबको सच बता सकती हूँ। शिवांशी दिव्यांशी की मदद के लिए तैयार हो जाती है। फिर दिव्यांशी उसके शरीर में जाकर नागलोक जाती है, जहां नागराज दिव्यांशी बनी मेनका को रानी बनाने ही वाले होते हैं। तभी शिवांशी के रूप में दिव्यांशी उन्हें रोकते हुए बोलती है, रुक जाइए पिताजी, जिस लड़की को आप मुकुट पहना रहे हैं पहले सुनिश्चित कर लीजिए वो आपकी बेटी है भी या नहीं। कौन हो तुम और ये क्या कह रही हो? मैं हूँ आपकी बेटी दिव्यांशी, जो इस शरीर में आत्मा बनकर प्रवेश कर नागलोक लौटी है। मेरी मृत्यु हो चुकी है और मुझे मारने वाली ये मेनका है जो आपके सामने दिव्यांशी का रूप लेकर खड़ी है। क्या? हाँ यकीन नहीं हो रहा तो आईना लेकर आइए, सबके सामने असली चेहरा दिख जाएगा। नागराज दिव्यांशी बनी मेनका का हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने लाते हैं तो उसमें उसका सच सामने आता है, जिसके बाद वो उसको बंदी बनाने का आदेश देकर शिवांशी से बोलते हैं, मेरी पुत्री तुमने हमें मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया, हम तुमको बचा लेते, लेकिन अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, मौत की सजा मिलेगी मेनका को। मेनका अकेली नहीं थी इसमें पिताजी, नक्श ने भी इसका बराबर का साथ दिया है, आप उसे भी सजा दीजिए, उसने भी मेरी पीठ पर खंजर घोंपा है। नक्श को भी बंधी बना लिया जाता है, जिसके बाद नागराज रो रहे होते हैं। ये देखकर शिवांशी बोलती है, रोइए मत पिताजी,
जो होना था वो हो गया, लेकिन मेरे दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अब मैं चलती हूँ और कृपा कर धरती लोक पर पड़े मेरे पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी पुत्री दिव्यांशी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? जब भी आपको लगे कि आपको मेरी याद आ रही है तो आप धरती लोक पर आकर इस कन्या से मिल लेना, कि वास्तव में बहुत ही प्यारी है और इसका पति भी, जो धरती लोक पर मेरे पार्थिव शरीर की रक्षा कर रहे हैं। जल्दी जाइए। नागराज पृथ्वी लोक जाकर दिव्यांशी के पार्थिव शरीर से मिलते हैं। फिर वो शिवांशी और मयंक के साथ उसके शरीर का अंतिम संस्कार करके शिवांशी को आशीर्वाद देकर सदा के लिए नागलोक चले जाते हैं और दिव्यांशी की आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है।